तो आप बताएं, लोगों ने आपके ऊपर मजाक बनाया, इन चीज़ों पर ट्रोल किया, तो आपने कैसे डील किया? इवन के एब्यूजेस निकाल देते हैं लोग, गालियाँ भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें यह है कि मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि हर बंदे की टेंशन नहीं ली जाती, किसकी टेंशन है। फिर दूसरा ये कि मैं अक्सर शोज़ में लोगों को कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया का यूज़र है ना, उसकी जो क्लास है ना, वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब एक रेडियो वाला बंदा भी सोशल मीडिया ऐसे चलाता है कि बंदा कहता है इसने पता नहीं फेसबुक खुद ही ईजाद किया होगा ऐसे है ना। हाँ। अब आप एक जो रेडियो वाला है उसके कमेंट पे आके आप जो ना सैड हो जाए, उसकी कंपेयर पे मतीरा अगर मेरी किसी प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट को कमेंट करे तो मैं किसको फेवर करूँगा? डेफिनेटली आपको करूँगा। अब मेरे पे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, आर्टिस्ट, उन्होंने कमेंट किए मेरी ऐड पे। इवन के बड़े लोगों ने कहा कि हमने ज़िंदगी गुजारती, लिखना नहीं आया, कंटेंट बनाना इस बंदे पे एंड है, ठीक है ना। इंडिया में मेरे फ़ैन, इंडिया में लिखा जाता है, इधर भी सारे। तो उसमें यह कि मैं जो आप समझते हो प्रोडक्शन को, काम को, अब एक बात आपको हो, एक फेसबुक का यूज़र कह दे तो मैं डेफिनेटली आपकी बात को प्रेफर करूँगा। हाँ, पर मुझे एक बात बताए, वो बात ठीक है आपको नहीं लगती, लेकिन फैमिली को लगती है, बच्चों को लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई नो दैट, बिकॉज बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, तो उस चीज़ को कैसे? मैंने अभी अपनी बच्चों के स्कूलिंग के लिए एक प्रोजेक्ट छोड़ा, उसमें वो टीवी की सीरियल थी, उसमें वो कैरेक्टर था रीमा खुसरे का। मैं इवन देन ऑडिशन भी दे आया, ओके हो गया, लेकिन फिर मैंने बच्चों की स्कूलिंग का काफ़ी चीज़ें फैमिली को देख के मैंने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। हालांकि पूरी सीरियल थी। Okay. मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं, शायद इस बात से मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बने हुकिंग की वजह से। तो बहुत सी चीज़ें हमें कुर्बान करनी पड़ती हैं। आर्टिस्ट हम हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, रोड पे सेल्फी लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे हमें प्रॉब्लम, हर्डल्स भी आती हैं, वो भी हम लोग फेस करते हैं। हाँ, ये भी है। आप लोग का प्यार कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ जाता है। कुछ लोग की नींदें उड़ा देता है, तो कुछ लोग की जहनी सुकून, तो कुछ घरों में लड़ाइयाँ हो जाती है इसी, क्योंकि प्यार है कीमती ना। हाँ, लेकिन प्यार सस्ता भी हो गया है, जितना कीमती था उतना सस्ता हो गया है। जब आप ये पक्की बात है, जब आटा महंगा होगा ना, प्यार सस्ता हो जाएगा। हाँ, ये बात है। तो आप बताइए, इस महंगाई में कैसे डील कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, वैसे जैसे कि नॉर्मल आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम फिर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत बेहतर हैं कि हम चल रहे हैं ईजीली। लेकिन चूँकि सोशल आर्टिस्ट ना, हम लोग देखते हैं बहुत बुरा हाल है लोगों का, बहुत बुरा हाल है। इवन के जो सफ़ेद पोश है बहुत मर गया, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम है, वो मांग नहीं सकता। yes. निचले वाले से, ऊपर से मांग नहीं सकता, नीचे वाले को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे, क्योंकि जो निचले तबके है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने साफ कह देना जी मेरे पास नहीं है। जो ऊपर है उसके पास बहुत है, जो सेंटर में वो मारा गया। मिडिल क्लास इज द हमेशा मीडियोकर मरता है, क्योंकि वो अमीर नहीं हो सकता और वो गरीब होना नहीं चाहता बच्चों की वजह से। और जो गरीब है वो उस तंगदस्ती में ही चल रहा है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझसे अगर एक रोटी के बजाय आधी रोटी, तो आधी रोटी से। फिर उसको ये है कि वो ये नहीं है कि उसको अपने मीडियोकर मरता क्यों है, कि उसने सफ़ेदपोशी ढकनी होती है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये है। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादा डिस्टर्ब मीडियोकर इसलिए हुआ है कि आपकी जो अर्निंग है ना, उसमें खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तनख्वाही नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। स्कूल की फीस बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन तनख्वाह वही की वही है। So, और एक होता है ना कि पहले कभी महंगाई होती थी कोई 10 रुपये 5 रुपये इस तरह इंक्रीज हुए, तो अब तो आप देखें जंप कैसे लगे। अब तो बिकॉज एक चीज़ पर होती तो समझ में आता, खुद देखो एक टाइम पर डॉलर होता था 100 का, अभी 300 पर जा रहा है। एक टाइम था गोल्ड होता था मैक्सिमम आई बिलीव 130, 140, अभी 2 पर चला गया, नहीं 2+ है, 2+ चला गया है। तो ये बड़ा दुख की बात होती है। अब देखें ना, इस पे भी गोल्ड चला गया है, उसको भी हम जो ना मैनेज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मर रहे हैं लोग वो क्या है, आटा, चावल, चीनी, दूध, इन चीज़ों से मारे हैं। क्योंकि देखे गोल्ड का यह है कि गरीब आदमी अगर बच्चे की शादी करे वो गोल्ड के बिना भी कर लेगा, आटे और चावल चीनी के बिना तो नहीं गुजार सकता, वो तो डेली का यूजेज है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।